अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम अपनी वेबसाइट के फुटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। फुटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूं और डैशबोर्ड में मैं यहां से अपीयरेंस पे जाता हूं और अपीयरेंस में मेरे पास यहां पे मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, सॉरी विजिट्स पे क्लिक करता हूँ, विजिट्स का ऑप्शन है, विजिट्स पे क्लिक करता हूँ। विजिट्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फुटर ऑप्शन है। तो फुटर में मैं यहाँ पे सबसे पहला जो फुटर है, फुटर वन जो है, इस पे मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफी सारी ऑप्शन है। यहाँ पे आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, आर्काइव ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, कैटेगरी ऐड करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, मेन्यू या पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, आप यहाँ से काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐड करता हूँ फुटर में, सबसे पहले मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं जी कैटेगरी का ऑप्शन, यहां पे ऐड कर लेता हूं, ये जो फुटर है इसमें कैटेगरी का ऑप्शन ऐड कर लेता हूं, टाइटल में यहां पे दे देता हूं जी, डिस्प्ले ड्रॉप डाउन शो पोस्ट काउंट एंड शो, अरे जी यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी को भी मैं सेव करता हूँ, यहाँ से करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ जरा। यहाँ पे मेरे पास फुटर आ गया, देख सकते हैं कैटेगरी यहाँ पे आ गया फोटोशॉप, फोटोशॉप इसमें मैं शो करता हूँ सेव, ओके तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी के अलावा यहाँ पे मैं चलाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कैटेगरी से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कैटेगरी ये कि असल में कैटेगरी मैंने इतनी बनाई है, आर्काइव जो है तो आर्काइव को मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आर्काइव ले आता हूँ। ओके डिस्प्ले ड्रॉप डाउन है या शो पोस्ट काउंट, ये भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। फुटर फुटर में एक ये चीज़ ऐड कर ली मैंने, दूसरा फुटर में अगर और भी कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके जो यहाँ पे इस साइड पे जो फुटर सेकेंड है इस पर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पेजेस ऐड कर लेता हूँ, या पोस्ट विद इमेज आप ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, सोशल प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, तो मैं पेजेस फॉर एग्जांपल ये पेजेस हैं, पेजेस को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फुटर टू में पेजेस ऐड कर लिए मैंने, और टाइटल आप दे दें, पेज टाइटल है, पेज ऑर्डर है, पेज टाइटल के नाम से ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ जरा, तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास पेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, आपने जितने भी पेज ऐड किए होंगे वो सारे के सारे पेजेस आ जाएंगे यहाँ पे, और आर्काइव अक्टूबर है, अक्टूबर में जो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं 9 पोस्ट है अक्टूबर की, तो अब आर्काइव यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो फुटर है इसमें जो आर्काइव मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसमें डिस्प्ले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और पेजेस भी यहाँ पे ऐड हो गए, जितने पेजेस होंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेसबुक लाइक बॉक्स जो है तो मैं ये ऐड कर लेता हूँ जी फुटर थ्री में, आप ये और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं उसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ, फेसबुक आ गया। अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये तीन चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आपने कोई कोड के थ्रू ऐड करना है तो आप टेक्स्ट में जाके कोड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, सर्च के थ्रू ऐड कर सकते हैं, रिसेंट कमेंट्स के आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, पेजेस है, फॉलो बटन है, मीटर है, और कैटेगरीज है, क्लेंडर है, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेंडर जो है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जी, यहाँ पे क्लोज करता हूँ,
सही है। मैं इसको यहाँ पे जो मैंने पेजेस ऐड किए, पेजेस के अलावा जो मैंने यहाँ पे अर्काइव ऐड किया, अर्काइव की जगह मैं यहाँ पे कैलेंडर ऐड कर लेता हूँ। अर्काइव के बाद मैं यहाँ पे कैलेंडर भी ऐड कर लेता हूँ, दोनों ऐड कर लिए मैंने फोटो में। सेव, रिफ्रेश करें यहाँ पे आप, तो ये भी आ गया और यहाँ पे कैलेंडर भी आ गया, बस दोनों चीजें आ गई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो कि ये जो अर्काइव मैंने दिया हुआ है इसको मैं फुटर टू में ऐड कर लूँ और इसको भी सेव कर लें, साइजों को सेव कर लें, इसको भी सेव कर लिया मैंने, अर्काइव को भी यहाँ पे सेव कर लिया, और इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो इसमें नीचे सबसे पहले कैलेंडर आ जाएगा, पेजेस और अर्काइव आ जाएंगे, और यहाँ पे फेसबुक आ जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरह ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैप ऐड करना चाहते हैं तो मैप भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका साइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं, साइज का कम है तो मैं इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं फेसबुक का, जो कि यहाँ पे मैंने फोटो थ्री में फेसबुक ऐड किया। इसका साइज जो है तो उसकी विड्थ है, तो मैं यहाँ से 300 विड्थ कर देता हूँ, उसकी हाइट इसकी 180 है तो इसको 250 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, तो आप यहाँ से इस तरह ऐड कर सकते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चीज है, तो मैं ऑनलाइन डिप्लोमा का ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे .pk सेव। इसी तरह आप यहाँ पे जो है तो आप गूगल मैप भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा गूगल मैप आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे लाते हैं, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बॉटम में। ओके, तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो आप इसको ऐड करना चाहे तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। विड्थ इसकी और भी बढ़ाता हूँ मैं थोड़ी सी, 303 20 कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। शो हेडर पे भी क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखें ये भी ऐड हो चुके हैं। तो आप इस तरह इन पे काम कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। एंड चलिए नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों की भी डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।